हम बात किसानों की करेंगे तो आजादी को 70 वर्ष हो चुके हैं और आज देश का किसान एक नारे ना जय जवान जय किसान, तो मैं कहूंगी दोनों के लिए कि आज देश का जवान भी इतना ही ज्यादा आप लोगों की तरह हमारी तरह बिल्कुल दुखी है कि वो देश के मतलब पूरे वो प्रहरी है, वो रक्षा करते हैं, फिर भी आज अगर वो देश के लिए शहीद हो रहे हैं तो उसके परिवार को कोई भी सुविधा नहीं मिल रही, कोई भी। एक महिला ने तो अपने मतलब सिर के बाल भी मुंडवाए थे, मतलब दिव्यांग महिला ने, वो एक सैनिक की पत्नी थी और बाल करने के बाद इतनी ज्यादा मुनेरी सोशल मीडिया पे वायरल रही, फिर भी हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने उस महिला के लिए कुछ भी नहीं किया और क्या मांग रही थी वो, सिर्फ नौकरी। तो क्या ये एक देश के सैनिक के लिए इतना भी अधिकार नहीं है कि वो देश के लिए मर मिटता और उसकी पत्नी को नौकरी भी नहीं मिली, इतनी नौकरी आप बांटते हो, क्या हम सैनिकों के लिए कोटा नहीं रख सकते? रख सकते हैं बिल्कुल, अगर मुख्यमंत्री चाहे तो हरियाणा की जनता के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर आपकी कोई मांग सुनने आए तो मैं भाइयों से कहूंगी कि जो लोग, जैसे मैंने बहुत सारे अनशन देखे, मैं पहले अनशन पे एक बार आई हुई हूँ पर मैं आज बैठी हूँ, मैं बैठने के बाद ये कहूंगी कि जब भी आपके पास कोई अधिकारी आए या आपको आपकी मांगों के लिए चंडीगढ़ बुलाए तो मैं मेरे बड़े भाइयों से कहूंगी कि जो भी जितने भी कमेटी के मेंबर्स बने हुए हैं आप एक बार ठान लो इकट्ठे होकर, जितने भी कमेटी के मेंबर्स हैं आप लोग उनसे मुख्यमंत्री जी से बंद कमरे में बात ना कीजिए, क्योंकि जब आप लोगों के लिए अनशन पे तो आप सबको सांझा बिठाते हो और वहां जाके थोड़ा सा कोई एक आदमी आता है आपको लालच दे देता है भी मैं आपको मुख्यमंत्री के पास लेके जा रहा हूँ, और उनमें से कुछ लोग मुख्यमंत्री से जब आप बंद कमरे में मिलते हो ना तो जितने कमेटी के मेंबर्स हो आपके ऊपर एक उंगली उठती है कि ये लोग बिक चुके हैं मुख्यमंत्री के हाथों, चाहे आप बिको चाहे आप ना बिको, ये सबकी सांझी समस्या है। आप वहां से साइन करवा के ले आते हो और बाद में काम किसी का हुआ देखा आप लोगों ने? किसी का भी नहीं हुआ। तो जितने भी कमेटी के मेंबर्स है मैं इनसे कहूंगी कि जब भी कोई अधिकारी आए या आपको मुख्यमंत्री जी बुलाए तो प्लीज मैं आपसे आग्रह करके जा रही हूँ, क्योंकि जब हम वोट डालते हैं ना, जब हम मैं भी मांगने गई हूँ डोर टू डोर वोट और आगे भी लोग आप लोगों के पास वोट मांगने के लिए आएंगे तो एक बार जरूर आप अपने दिल की बात, जो भी मतदाता चाहे मैं भी हूँ आपके दरवाजे पे आऊँ तो आप अपनी समस्याओं को दिल खोल के रखो उनके आगे, भाई हमारी तो ये समस्याएं हैं, अगर आप हमें लिखित में ये चीज देते हो तो हम अपने मत का उपयोग आपके लिए करेंगे, वरना आप वोट ही ना डालो मैं तो कहती हूँ। तो सबसे पहले मैं यही कहूंगी कि बंद कमरे में बात कोई भी किसान नेता ना करो, क्योंकि जब जब बंद कमरे में बातें हुई है आपका आंदोलन हमेशा दब के रह गया, फिर दोबारा उसी चीज को ले करने के लिए अगर आप यहाँ बैठते हो तो मुझे नहीं लगता कि उस चीज की इतनी अहमियत कभी रहती है, कभी भी नहीं रहेगी, क्योंकि बात एक बार आवाज उठती है अगर उसको बुलंद करने के लिए चाहे आपको कितनी भी कठिनाइयां सहनी पड़े, आप सब और मैं जितने भी लोग यहाँ आए हुए मैं उनसे कहूंगी कि इस आंदोलन को अगर और तेज करना है और खट्टर सरकार के कानों तक ये बात आपने पहुंचानी है तो सभी बाइक ट्रालियों में आदमी लेके आओ, जब तक ये ग्राउंड नहीं भरेगा ना तब तक आपकी आवाज जो है वो हरियाणा सरकार के कानों में नहीं पड़ेगी। वैसे मैं आते आते सबसे पहले सुबह कार में बैठने से पहले मैंने हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है ओम प्रकाश धनखड़ जी, मैंने सुबह सबसे पहले फोन उन्हीं को मिला के उनसे बात करके आई हूँ और मैंने उनको ये बात बोली है कि भाई साहब अगर आप हमारे किसानों की मांगे नहीं मानोगे तो 26 तारीख के बाद हमारे किसान जो है वो अनशन पे भूख हड़ताल पे बैठेंगे और उसके बाद में अगर कोई अनहोनी घटना होती है तो उसके जिम्मेवार आप हो, तो इसलिए हमारे किसानों की बात सुन लो। तो उन्होंने मुझे तो यही आश्वासन दिया कि बैंची जो आपका पैसा रह रहा है गाँव का मुआवजे का वो राशि मैं जल्दी से जल्दी भेजने का काम करूंगा और अगर एक दो दिन में कोई अधिकारी आ गया आपकी बातें नहीं मानता तो फिर मैं मुख्यमंत्री से आपके लोगों की ये बात करूंगी, पर बात जब भी करो कोई भी अगर आपको कोई लेके जाता है तो मैं एक बार फिर आप लोगों से कहूंगी कि बंद कमरे में आप लोग बात ना करो।